लिख दो म्हारे रोम रोम पे, रोम रोम पे, रोम रोम पे राम राम, हो रघुपति राम राम, हो सियापति राम राम, हो रघुपति राम राम, हो सियापति, लिख दो जय सिया राम जी। सब भक्तों से निवेदन है मेरी, सभी के दोनों हाथ ऊपर होंगे एक साथ। अरे लिख दो म्हारे रोम रोम पे राम राम, हो सियापति राम राम, हो रघुपति, लिख दो जय सिया, लिख दो जय सिया, लिख दो जय सिया राम, आपको बोलना है लिख दो जय सिया, लिख दो जय सिया राम जी। सबसे पहले आदमी के शरीर का प्रमुख अंग जो है वो आदमी का शीश है, सिर है, मुकुट है, मुख है। तो कहा कि इस मुख पर क्या लिखो, ए शीश पे शिव शंकर लिख दो, काना पे कन्हैयो राम, शीश पे शिव शंकर लिख दो, काना पे कन्हैयो राम, नैना में भर नरसी लिख दो, नैना में भर नरसी लिख दो, नाक पे नंद लालो राम, लिख दो जय सिया राम जी, लिख दो हरे रोम रोम पे राम राम, हो रघुपति राम राम, हो सियापति, लिख दो जय सिया राम जी। जितने भी चाहे अर्जुन जी हो, मशरूम जी हो, सभी लोगों ने एक ही बात पर जोर दिया, ये अभी रमेश जी भी यही कह रहे थे कि सभी जय बोलते रहे। जय बोलने का मतलब है कि हम जागृत रहें, जागृत रहें, चेतन रहें, और चेतन रहे कि अगर भगवान को याद किया तो भगवान हमको दर्शन दर्शन देंगे। तो हम सभी बिल्कुल एकाकार होकर सत्संग का आनंद लें। और हे अरे जीभ पे जगदीश लिख दो, होठो पे हरिओम राम, जीभ पर जगदीश लिख दो, होठो पे हरिओम राम, अरे जीभ पे जगदीश लिख दो, होठो पे हरिओम राम, जीभ पे जगदीश लिख दो, होठो पे हरि ओम राम, दांतों पे दामोदर लिख दो, दांतों पे दामोदर लिख दो, नाभि पर नारायण राम, लिख दो जय सिया राम जी, हमारे रोम रोम पे राम नाम और रघुपति, हम नाम और सियापति, लिख दो जय सिया राम जी। और एक स्थान पर भगवान को वैष्णव फैमिली, वैष्णव परिवार, वैष्णव जन तो तैने कहिए, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, वैष्णव जी, वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो पीर पराई
पहचाने। जग में साचो तेरो नाम, जो जो राम जी को मानते हैं वे अवश्य बोले जग में साचो तेरो नाम। एक निवेदन मेरी, हाथ जोड़ करके के सभी के दोनों हाथ ऊपर एक साथ और बोले जग में साचो तेरो नाम। राम हे राम, तू अंतरिया में सबका स्वामी, तू अंतरिया में सबका स्वामी, तेरे चरणों में ये पीछे तक अगर ये लगता है कि ये राम जी का सुमरण है, अरे मैं तो ये कहूं आज, अरे जो राम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का ही नहीं। इसलिए आप तो सभी काम के लोग हैं, तो सभी लोगों ने मिलकर के बोलना है हे राम। तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, इसी जग के सारे काम। सबका स्वामी तेरे चरणों में चरों का, तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, तू ही बनाए। राजू तुमने नहीं बोला, बोला ना, अब बोले नहीं तू अंतरयामी सबका स्वामी, तू अंतरयामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। Oh,
श्री राम के परम भक्त कौन हुए, कौन हुए? क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। एक बार मेरी मातृशक्ति बोल ले, कौन हुए? हनुमान जी। और मंदिर यहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। वो भगवान अगर 1000 किलोमीटर दूर बैठ करके भी याद करो तो हमारी पुकार सुनता है, सुनता है कि नहीं सुनता है? शिव है कैलाश पर, मगर आवाज यहां से पहुंचती है शिव को। मतलब बस पुकारने की ताकत हो, पुकारने में करुणा हो, यही बात है। इसलिए ले थोड़ी सी बड़ी हो रही है। श्री राम का गंगा गंगा में बजवा दिया बजवाला ने, श्री राम का गंगा हरे लंका में बजवा दिया बजवाला ने। और अंतिम में जो बात कही, गले पर गिरधारी लिख दो, गले पर आदमी का प्रमुख भाग है, ये जो बोलता है ये गले से ही बोलता है। तो कहा कि गले पर गिरधारी लिख दो, मुख पर मुरली वालो राम, और भुजा पर भगवान लिख दो, हाथा पे हनुमान हनुमान राम, और लिख दो जैसिया जैसिया जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बात है, ये इस तरह से ललकारानी चाहिए ताकि लगे कि राम भक्तों में हनुमान जी की भक्ति हो रही है। और हरे राम शरण शिव मंडल बोले एक अर्ज सुन भी जोरा, राम शरण शिव मंडल बोले सभी के दोनों हाथ ऊपर एक अर्ज, शिव मंडल बोले एक अर्ज सुन भी जोरा, इतरो को प्रभु ये माने लिख दो, इतरो को प्रभु ये माने लिख दो, चरणों में चारु धाम राम लिख दो, जैसिया राम रोम रोम पे राम राम, ओ रघुपति राम राम, ओ सियापति लिख दो जैसिया राम, लिख दो जैसिया। ओ बालिका बहुत देर से ताली बजा रही है, मैं धन्यवाद देता हूं आपकी भक्ति को। वाकई धर्म के प्रति ऐसा समर्पण होना चाहिए, धर्म पर मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर धर्म पर मृत्यु हो जाए, मौत आ जाए, तो समझो कि यह तुम्हारा सौभाग्य है, वरना लोग एक्सीडेंट में भी मर जाते हैं, उनकी गति भी नहीं होती है। अरे धर्म पर जिन्होंने प्राण निछावर कर दिए वे अमर हो गए, इसलिए लिख दो जैसिया राम, लिख दो जैसिया राम जी, लिख दो